हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम बात करेंगे नारी रत्न सिरप के बारे में। इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और इसे लेना कैसे है। मगर इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। नारी रत्न सिरप एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से बनाया गया सिरप है, जिसका इस्तेमाल महिलाओं की कई बीमारियों के निपटान के लिए किया जाता है। आजकल बहुत सी स्त्रियों में ही रेगुलर पीरियड्स मतलब अनियमित मासिक धर्म की समस्या होने लगी है, जिस कारण उन्हें बहुत परेशानी होती है। इरेगुलर पीरियड्स होने का मतलब होता है कि कभी तो मासिक धर्म लेट आते हैं तो कभी बहुत जल्दी आ जाते हैं, समय पर पीरियड नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति को इरेगुलर पीरियड्स कहा जाता है। यदि आप भी पीरियड देर से आना, जल्दी आना या ना आने की समस्या से जूझ रही है तो आप नारी रत्न सिरप का सेवन कर सकती है। इस सिरप में कई आयुर्वेदिक औषधियां हैं, जिनके कारण यह अनियमित मासिक धर्म की समस्या को ठीक करने का कार्य करते हैं। कुछ महिलाओं को पीरियड के दौरान अधिक दर्द का अनुभव नहीं होता तो बहुत सिम महिलाओं को बहुत तेज दर्द होता है, जिसे सहन करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर आप भी ऐसी महिला हैं जिन्हें पीरियड्स के दौरान बहुत अधिक दर्द होता है तो ऐसी स्थिति में आप नारी रत्न सिरप का सेवन कर सकती है। नारी रत्न सिरप ना केवल पीरियड संबंधित समस्याओं में लाभ करता है बल्कि है वाइट डिस्चार्ज मतलब सफेद पानी आने की समस्या में भी लाभकारी होता है। बहुत महिलाओं को पीरियड्स के बाद अक्सर सफेद पानी आने की समस्या होती है, जिसे ल्यूकोरिया के नाम से भी जाना जाता है। इस पानी का सीमित मात्रा में निकलना तो कोई हानिकारक बात नहीं है, लेकिन अधिक मात्रा में तथा अधिक समय तक इसका आते रहना महिलाओं के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। कम उम्र की स्त्रियों में अक्सर 50 साल तक कम उम्र की महिलाओं में कमर दर्द अधिक देखने को मिलता है तथा इसका कारण उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी एवं अधिक कार्य करना होता है। नारी रत्न सिरप का उपयोग करने से न केवल आपके कमर दर्द संबंधित समस्याओं में आराम मिलता है बल्कि यह पेट से संबंधित कई समस्याओं में भी आराम पहुंचाने का कार्य करता है। अब जानते हैं इसके नुकसान के बारे में। तो नारी रत्न सिरप को बनाने में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों जैसे अश्वगंधा, अशोक, शतावरी, नागकेसर आदि का उपयोग किया गया है, जिस कारण इसके नुकसान या साइड इफेक्ट्स की संभावना कम है। नारी रत्न सिरप के पैकेट पर लिखे निर्देशों के अनुसार 5 से 10 ml नारी रत्न सिरप या 1 से 2 छोटे चम्मच सिरप को हल्के गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार ले सकती है। जैसा कि आप जानती हैं, नारी रत्न सिरप के साथ कैप्सूल भी आते हैं, तो आप इस सिरप के साथ 1 कैप्सूल का इस्तेमाल भी कर सकती है। तो ये थी नारी रत्न सिरप के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना।